हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो के लिंक्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। और आज हम करेंगे इस वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थर्ड पार्ट। अब तक हमने बेसिक्स उसका कर लिया और प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। आज हम कुछ सम करेंगे ताकि आप उसके बल पे आप पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सको। तो चलते हैं जल्दी से बोर्ड की तरफ और देखते हैं कुछ सम्स। नंबर वन, यहां पे जैसे लिखा मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें मैं एग्जांपल के हिसाब से ले रहा हूं, साइन ऑफ, साइन इनवर्स और साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π, नहीं देख के मैं लिख रहा हूं π/4। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हमने। सेकंड इसमें हम ले लेते हैं नंबर टू, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो ये दो प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो पहला प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, साइन इनवर्स साइन ऑफ π/4। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन। सबसे पहले ये साइन इनवर्स साइन π/4 हमको फॉर्मूला मिला, उस फॉर्मूला के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये साइन साइन चला जाएगा, आंसर हमारा क्या होगा, π/4। तो ये जितना एकदम सिंपल था, लेकिन दूसरा वाला इतना सिंपल नहीं होगा। दूसरा वाला में हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया है। तो देखिए यहां पे मैंने डायरेक्टली लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी था कि साइन और इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा होता है। लास्ट वीडियो में हमने इसे एक्सप्लेन किया था, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा है। ये कब होता है थीटा, जब ये थीटा आपका बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 में, जो कि इनवर्स फंक्शन का हमारा ये रेंज था, प्रिंसिपल ब्रांच था। अब इसमें अगर एंगल लाइज करें तभी इसका वैल्यू हम थीटा लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका वैल्यू हम थीटा नहीं लिख सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, π/4, तो π/4 मतलब 45 डिग्री। क्या 90, -90 और +90 के बीच में 45 आता है? यस, आता है। इसलिए हमने लिखा डायरेक्टली इसका π/4। लेकिन क्या 2π/3 इसके बीच में आता है? अब सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 2π/3 का वैल्यू एक्चुअली होता कितना है। तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं, हमको पता है कि पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री और π/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 2π/3 का मतलब कितना हो रहा है एक्चुअली, 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री इस इंटरवल में लाइज करता है? जी नहीं, ये -90 से +90 है और ये कितना है हमारा, 120, मतलब 90 से ज्यादा। तो इस तरह अगर हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें सबसे पहले, तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें इस एंगल को इस रेंज के अंदर में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन 2π/3 की जगह पे क्या हम 3π -π/3 लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसको लिखने से ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन, अगर मैं इसको सेकंड ब्रैकेट में डाल दूं तो ये कितना बन जाएगा हमारा, π -π/3। ठीक है, अब π -π/3, साइन π - θ कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू कितना है, π/3। अब एक सवाल, ये जो π/3 है वो कितना है, 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री इस इंटरवल के अंदर में आता है? जी हाँ, इसके अंदर में आता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका वैल्यू कितना होगा, π/3। क्लियर है? ठीक है, एक और सम देख लेते हैं इसका, ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए। cos 13π/6,
दिया है इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे 13π/6। अब 13π/6 एक्चुअली में होता कितना है, पाई बाई सिक्स हमारा होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री होता है, हम पाई बाई सिक्स का वैल्यू होता है 30 डिग्री, और हम यहाँ पे एक्चुअली है कितना 13π/6, तो अगर हम इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअली कितना बनेगा हमारा 390 डिग्री। अब 390 डिग्री ये है, लेकिन कॉस का रेंज कितना था, कॉस का ब्रांच प्रिंसिपल ब्रांच जो था वो 0 से लेके π, कॉस का जो ब्रांच था वो हमारा 0 से π, तब हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉस इनवर्स कॉस चला जाएगा 13π/6 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो एंगल है वो हमारा 0 से π के अंदर नहीं आता, तो इसलिए हम क्या करेंगे पहले की तरह इसको पहले इसके अंदर लाएंगे। तो इसको अंदर लाने के लिए क्या मैं 13π को 12π + π/6 लिख सकता हूं, ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा कॉस इनवर्स कॉस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2π + π/6 बन जाएगा ये, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, अच्छा 2π + θ, अब हमको क्या पता है कि कॉस 2π + θ का वैल्यू कितना होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रेशियो तो चेंज होगा नहीं, तो इसका होगा कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस पाई बाय सिक्स। अब ये पाई बाय सिक्स जो है वो कितना है 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री इसके अंदर आता है, जी हाँ इसके अंदर आता है, तो ये कॉस कॉस हट जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा पाई बाय सिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू टेन इनवर्स हाफ। इसको हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। तो कल हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा क्या था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये जो प्रॉपर्टी था ये था हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 - xy। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कितना है हमारा टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स कितना है हमारा ये 7/24। तो आप देखिए यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है वो हमारा x बन रहा है, ये वाला वैल्यू हमारा y का काम कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टीज या फॉर्मूले पे हम इसको बिठा देंगे, टेन इनवर्स इसका कितना होगा x की जगह पे 2/11 प्लस y के जगह पे ये 7/24 डिवाइडेड बाय 1 - xy, x का वैल्यू कितना 2/11 एंड y का वैल्यू कितना 7/24, ठीक है। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे ऊपर और नीचे, तो ये आएगा हमारा 11 × 24 का होगा मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, 6, 2, तो ऊपर कितना होगा हमारा 11 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 24 × 2 = 48 हो जाएगा, प्लस इसका कितना होगा 7 × 11 = 77 होगा, नीचे इसका एलसीएम 264 ही होगा, ये होगा हमारा 264 - 14। तो अब हम क्या करेंगे टेन इनवर्स ये 264 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे 8 + 7 हमारा 5 प्लस 1 को इसमें ऐड कर देते हैं कितना हो जाएगा 125, नीचे ये हो जाएगा हमारा 250, तो 125 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 1/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखिए कि दो रिजल्ट जो दिए हैं वो दोनों साइन में दिया गया है और फाइनली रिजल्ट हमको टेन में चाहिए, और हमको प्रॉपर्टी मिला क्या था कि अगर हमें ये टेन में मिलता टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो इसमें हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 - xy, एक ये मिला हुआ है। दूसरा, हम किसी भी रेशियो को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में किया था,
लास्ट वाला प्रॉपर्टी, तो ट्राइंगल बना के बदल सकते हैं। तो पहले हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, क्या है ये हमारा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स हमारा ये 3/5। अब इसको 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए हमको क्या करना है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है इस तरह से। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा क्या है, इक्वेट एंगल थीटा है, और यहाँ ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो ये क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ये दिया गया है साइन इनवर्स 8/17। तो साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब इसका वैल्यू कितना है 8 और इसका वैल्यू कितना है 17। ठीक है, तो बेस का वैल्यू कितना होगा, तो बेस हमारा एक्चुअली क्या बन रहा है, इसका स्क्वायर 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो 17 स्क्वायर आपका कितना होता है 289 और माइनस 64, तो इसका कितना हो जाएगा हमारा, इसका हो गया 5 और इसका हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा 15। तो बेस का वैल्यू हो गया 15, तो हम इसके जगह पे क्या लिख पाएंगे, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स कितना बाई कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8 और बेस कितना है हमारा 15, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8/15। उसी तरह से इसको हम रफ में करके दिखाएंगे। फिर दूसरा कितना है, इसको भी हमें 10 में कन्वर्ट करना है। फिर से देखिएगा, मैं फिर से बना रहा हूं। फिर मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, इस बार ये परपेंडिकुलर, यही बेस, ये हमारा हाइपोटेनियस। इस बार कितना है ये 3, ऊपर वाला परपेंडिकुलर का वैल्यू 3, नीचे वाला क्या है हमारा हाइपोटेनियस, इसका वैल्यू कितना है 5, और बेस का वैल्यू कितना होगा ये हम निकालेंगे, ये कितना होगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 9 मतलब रूट ओवर 16 मतलब कितना 4। इसका मतलब अब हम इसको 10 में जब लिखेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आया 3, बेस का वैल्यू कितना है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, अब वापस हम पिछले वाले सम की तरह, ये एक्स, एक्स हमारा कौन बन रहा है, एक्स हमारा बन गया 8/15 और वाई कौन बन गया हमारा 3/4। तो फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब इसमें हम इसको बिठा देंगे, टेन इनवर्स एक्स हो गया हमारा 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। एकदम सिंपल, कुछ नहीं है ये। अब फिर से हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा 60, तो ऊपर कितना होगा 4 इंटू 8 32 और 15 इंटू 3 45 और नीचे इधर 60 एलसीएम 60 माइनस 24। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स ऊपर कितना होगा 60 कैंसिल, ये वाला हमारा हो जाएगा 77 और ये वाला हमारा हो जाएगा 60 माइनस 24 36। आ गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 माइनस प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू 5/4। ये भी एकदम सिंपल सा सम है, पहले वाले सम की तरह ही इसको करना है। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लें, क्या है ये 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं। तो ये 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो इसको हम करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, 10 इनवर्स ये वाला x 1/5 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। उसी तरह से इसका 10 इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना होगा ये 10 इनवर्स, नीचे एलसीएम कितना
35 आ रहा है इसका, ऊपर कितना होगा 7 प्लस 5, नीचे एलसीएम 35, ऊपर कितना होगा 35 माइनस 1, इस तरफ टेन इनवर्स आपका हो जाएगा कितना ऊपर 24, ऊपर कितना होगा आपका ये 24 ये 8, ये प्लस 3 होगा, नीचे आपका इधर एलसीएम कितना 24, इसका कितना होगा 24 माइनस 1, तो आगे हम देखते हैं ये कितना होगा 10 इनवर्स 35 कैंसिल, 7 प्लस 5 आपका बन गया 12 और ये आ गया हमारा 34 प्लस इधर 10 इनवर्स इसका कितना है ये 24 कट जाएगा, 8 प्लस 3 हो जाएगा आपका 11, नीचे ये बन जाएगा आपका 23। तो अब हम कहां पहुंचे हैं, फिर से 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फॉर्मूले में पहुंच गए। अच्छा एक काम करेंगे, इस नंबर को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो ये 6y कितना हो जाएगा 17 और इधर 10 इनवर्स 11/23। अब यहां पे हम फिर से लगाएंगे फॉर्मूला, 10 इनवर्स 6/17 प्लस 11/23, नीचे 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कितना होगा ये 10 इनवर्स, ऊपर एलसीएम कितना 17 इंटू 22, 2 इंटू 2 प्लस 1 हो गया 3, 391, ऊपर कितना होगा 6 इंटू 3 और उसका हो जाएगा आपका 12/1 138, और इसका हो जाएगा 17 इंटू 11 प्लस 187, नीचे आपका एलसीएम है कितना 391 और इसका होगा 391 और ये होगा आपका माइनस 66, 10 इनवर्स ये आपका बनेगा कितना 8 प्लस 7 15 कैरी 1, 8 3 11 12 2 कैरी 1 और ये आपका हो जाएगा 6 जाएगा तो 5 और यहाँ बचेगा कितना 8 से 6 जाएगा 2 325, तो ये आपका बन गया कितना 10 इनवर्स 1 और 10 कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री का, तो ये आ गया हमारा पाई बाई 4 राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31/7। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते, 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। देखिए आंसर हमको 10 मिलाना है और हमको प्रॉपर्टी पता है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू होता है हमारा 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन 2 अगर सामने रहे तो हम क्या करें, तो एक प्रॉपर्टी हमको मिला था कि 2 10 इनवर्स x जो होता है वो किसके बराबर होता है 10 इनवर्स ट्वाइस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x के बराबर, तो ये जो प्रॉपर्टी या ये जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ x के जगह पे कितना है हाफ, तो ये वाला का वैल्यू कितना बनता है 10 इनवर्स ट्वाइस x मतलब 2 इंटू हाफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और सेकेंड वाले टर्म को एज इट इज छोड़ेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब इसमें अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे 4, ये ऊपर 4 आ जाएगा और ये 4 माइनस 1 बचेगा आपका, मतलब एक बार में लिख दे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4/3 प्लस ये कितना होगा हमारा 10 इनवर्स 1/7। अब ये वाला प्रॉपर्टी लगाने के सिचुएशन में आ चुका है, इस कंडीशन में आ चुका है या इस फॉर्म में आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला में बिठा देंगे, तो ये हमारा x कितना है 4/3 और ये वाला हमारा y कितना है 1/7, तो 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या होगा,
नीचे आपका हो जाएगा 21 और ये कितना होगा 28 प्लस 3 नीचे यहाँ पे एलसीएम कितना 21 इसका होगा 21 माइनस 4। इसके बाद हम इसका क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स, ये 21 21 कैंसिल हो गया, 28 प्लस 3 आपका हो गया 31, नीचे कितना होगा 21 माइनस 4 हो गया 17। क्या आंसर यही था? हाँ, राइट हैंड साइड हमको यही निकालना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर 1 होता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी हमें एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक्चुअली यहाँ पे हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, कितना है ये हमारा साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, हमें क्या पता है कि हम साइन को यहां से यहां ले जा सकते हैं, लेकिन जब भी इसको यहां लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? इनवर्स बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे ये जो है हमारा, इसको हम जैसा है फिलहाल वैसे ही रखते, इसको भी हम कुछ नहीं करते। अब आप उनको बताएं कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, पाई बाई 2, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 जो है इसको हमने ऐसे छोड़ा, पाई बाई 2, इस कॉस को हम इधर लेके जाते हैं तो ये कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा। अब ठीक है, अब ये जो हमें एक आइडेंटिटी, एक प्रॉपर्टी हमको मिला था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 था ना ये, तो क्या मैं यहां से इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या इससे हम ये लिख सकते हैं, क्या इसका मतलब ये होता है कि पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं? तो इस हिसाब से अगर लिखें तो साइन इनवर्स 1/5 की जगह पे इधर में राइट साइड में हम क्या लिख पाएंगे, साइन इनवर्स एक्स लिख पाएंगे। हाँ या ना? ठीक है, तो अब दोनों तरफ से अगर हमारा साइन इनवर्स हट जाए तो एक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, 5 के। आ गया हमारा आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 10 इनवर्स कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको हम छोटे फॉर्म में लाएंगे, ये थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको हमको सिंपल बनाना है। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, सोल्यूशन में हम यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। क्वेश्चन में दिया है 10 इनवर्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्लास 11 के कुछ फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। जैसे 1 माइनस साइन एक्स जो था, दरअसल इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पे हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, और इसको हम 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब तब मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे लिख लेता हूं, नीचे वाला हमारा क्या बन जा रहा है, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, ऊपर कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला था हमारा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, ये भी हमको मिला हुआ है, कॉस एक्स बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ ऊपर वाला जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऊपर वाले को कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, नीचे कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां नेक्स्ट में ये क्या बनता है, यहां से एक एक मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो ये कितना बनेगा हमारा, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, ठीक है। अब देखिए यहां पे जब ये बन जाएगा, तो अब तक ये सिंपल नहीं बना, हम इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पे टेन इनवर्स ऊपर और नीचे इसको कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू, इधर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू। मैं इसको साफ कर लेता हूं, इधर लिख लेते हैं। इसके बाद क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, देखिए अगर हम ये कॉस कॉस कैंसिल कर दें तो इसका वैल्यू कितना होगा, वन हो जाएगा, और ये साइन बाय कॉस, जब कॉस बाय कॉस का हो जाएगा वन, साइन बाय एक्स साइन बाय कॉस का हो जाएगा हमारा प्लस टेन एक्स बाय टू, नीचे ये कॉस कॉस हो जाएगा हमारा वन माइनस साइन कॉस हो जाएगा हमारा टेन एक्स बाय टू। अच्छा यहां पे थोड़ा सा काम है हमारा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना था वन, मतलब ये वन के जगह पे हमने इसको लिखा, ये थोड़ा सा बनाया हमने प्लस ताकि ये सिंपल बन जाए, और ये टेन एक्स बाय टू, यहां मैंने लिखा टेन पाई बाई फोर और इधर लिखा मैंने टेन एक्स बाय टू। अच्छा अब एक चीज देखिए, यहाँ पे इसके साथ वन मल्टीप्लाई करता हूं तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो मैंने जस्ट वन के जगह पे टेन पाई बाई फोर लिख दिया, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये कहीं पे देखा देखा लग रहा है हमको, ये टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, तो इसका कुछ फॉर्मूला था नहीं क्या हमारा, इसका शायद हमारा ये फॉर्मूला था पाई बाई फोर प्लस एक्स बाय टू, मतलब फॉर्मूला था हमारा टेन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला था ना हमारा, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी, मैंने जस्ट ये फॉर्मूला में इसको बनाया, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये टेन टेन अब क्या होगा हमारा चला जाएगा, बचेगा कितना हमारा पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, तो हमारा आंसर कितना होगा पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, ये हो गया इसका सिंपल फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेस कॉट इनवर्स वन बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में देता है उसमें अगर कोई एल्जेब्रिक टर्म दिया हुआ है तो उसको अगर हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है तो आपको थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना है, कौन और रेंज पढ़ा था ना प्रिंसिपल ब्रांच वाला, उसको थोड़ा सा समझ के रखना है। उसमें हमारा कंडीशन क्या था, हमारा कंडीशन था कि साइन का जो साइन इनवर्स का डोमेन था वो कितना था माइनस वन से प्लस वन, क्लोज्ड इंटरवल था, साइन इनवर्स का जो डोमेन था वो कितना था माइनस वन से प्लस वन, कॉस इनवर्स का भी जो डोमेन था वो कितना था आपका माइनस वन से प्लस वन। तो मैंने वहां पे आपको बोला था कि दो दो का सेम, किसका किसका सेम, साइन साइन और कॉस का सेम, टेन और कॉट का सेम था आर था, और सेक और कॉसेक का भी सेम था, कितना था ये आपका आर माइनस माइनस वन से प्लस वन। अब एक चीज जान लीजिए,
इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन, और इसका मतलब तो आर, क्योंकि आर है ही है, इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आपको कंडीशन में दिख रहा है कि ग्रेटर देन वन बोल रहा है तो ये कौन सा कंडीशन है एक्चुअली, ये वाला, जब आर माइनस ए बोलेगा तो ये ग्रेटर देन वन, ये कौन सा कंडीशन है, ये वाला। तो इसके बेसिस पे मैं आपको बोल के दे रहा हूं कि जब भी आपको ऐसा सिचुएशन मिले कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, तो वो जो एक्सप्रेशन होगा वो कहीं आपका रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह का दे दे, या वन माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह का दे दे। ऐसा अगर दिया रहे तो आपको करना क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा आप पकड़ लो या ए कॉस थीटा पकड़ लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगर अगर आपका आर दिया हुआ है, आर मतलब रियल नंबर अगर दिया हुआ है, तो रूट के अंदर आपको देखने को ऐसा मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस तरह का अगर है, या आपका रूट अवर एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर है, तो आप सीधा एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पकड़ लो या ए कॉट थीटा पकड़ लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या अगर ये सिर्फ वन दिया हुआ है तो एक्स इज इक्वल टू आप टेन थीटा पकड़ लो, और एक्स इज इक्वल टू या तो कॉट थीटा पकड़ लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन दिया है और इसमें अगर रूट के अंदर में आपको दिया गया है किस तरह का, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, या तो ऐसे दे दिया है या तो आपको ऐसे दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको याद ये रखना है। देखिए, अगर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर दे तो साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर प्लस रहे तो टेन थीटा या कॉट थीटा, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वन दे तो आपको एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा पकड़ लीजिए या ए कॉट थीटा पकड़ लीजिए, कॉसेक थीटा पकड़ लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या वन है तो आप यहाँ पे ए का वैल्यू वन पकड़ेंगे, अगर वो ए नहीं है तो ए है तो आप ए पकड़ लीजिए, ए नहीं है वन है तो आप उसको वन पकड़ लीजिए, मतलब एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, दोनों में से कोई एक पकड़ेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं किसके लिए क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये वाला केस आपका किसके लिए है, साइन और कॉस के लिए, और टेन वाला केस के लिए आपका क्या हो रहा है, टेन वाला केस के लिए आपका हो रहा है ये वाला, ये अगर है तो आपका ये टेन वाले केस के लिए आ गया, और सेक और कॉसेक के लिए क्या हो रहा है तो आपका केस ये बन रहा है। ठीक है, तो क्लियर है पॉइंट। तो मैं अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया गया है, मॉडुलस ऑफ एक्सिस, इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, या देखिए मॉडुलस ऑफ एक्सिस ग्रेटर देन वन दिया है, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन का मतलब सेक या कॉसेक पकड़ेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इस प्रॉब्लम को सिंपल फॉर्म में लेने के लिए है क्या है हमारा ये कॉट इनवर्स वन बाई रूट अवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे मैं पकड़ रहा हूं, यहां लिख रहा हूं पुटिंग एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ए का वैल्यू कितना है वन, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ सेक थीटा पकड़ रहा हूं, तो जब ये मैं यहाँ पे सेक थीटा पकड़ूंगा तो यहां से मैं एक्स का थीटा का वैल्यू निकाल के रखूंगा, ये कितना होगा, सेक इधर जाएगा तो सेक इनवर्स एक्स बनेगा। अब यहाँ पे इसको हम बिठाएंगे तो ये कितना होगा, कॉट इनवर्स वन बाय अंडर रूट, इसका वैल्यू कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब बताइए मुझको कॉट इनवर्स इसका वैल्यू कितना था, वन बाई सेक स्क्वायर थीटा मतलब कितना था, टेन स्क्वायर थीटा। अब ये टेन स्क्वायर थीटा है तो ये ऊपर जाए रूट के बाहर आएगा तो कितना बनेगा हमारा, ये टेन थीटा बनेगा। ठीक है, और वन बाई टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, कॉट थीटा होता है। अब ये जो है कॉट थीटा, तो ये कॉट और कॉट इनवर्स चला जाएगा, बचेगा कितना हमारा थीटा, और थीटा हमने कितना निकाल के रखा था, सेक इनवर्स एक्स, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर हो, मतलब कंडीशन क्या, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन वन हो, तो आप एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा बिठाएंगे, अगर ए की जगह पे वन हो तो आप सिर्फ साइन थीटा बिठाएंगे। दूसरा, अगर आपका टेन
रियल नंबर दिया हुआ है या कुछ मेंशन ही नहीं किया, सिर्फ रियल नंबर है और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देखने को मिल जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वन देखने को मिल जाए, तो आप x इज इक्वल टू ए टेन थीटा पकड़ोगे या ए कॉट थीटा पकड़ लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अगर a की जगह पे 1 दिया हुआ है तो आप सिर्फ x इज इक्वल टू टेन थीटा, x इज इक्वल टू कॉट थीटा पकड़ लीजिए। वहीं अगर आपका sec और cosec है, मतलब पकड़ना कब है sec और cosec, अगर ये आपका r माइनस ओपन इंटरवल माइनस वन से प्लस वन, जिसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन वन, अगर ये दिया गया है तो ऐसे हालत में रूट के अंदर आपको क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन जो बनेगा उस क्वेश्चन में होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन में आपको तो पकड़ना क्या है, एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा पकड़ लीजिए या एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा पकड़ लीजिए, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है तो आप एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा या ए सेक थीटा। ठीक है, हाँ एक चीज हमेशा याद रखिएगा इसमें जो मैंने मेंशन नहीं किया, अगर कभी आपको इस तरह का देखने को मिले a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स इस तरह का, या कभी आपको ऐसा देखने को मिले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इस तरह का आपको देखने को मिले तो मेरा सजेशन है कि आप x इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस टू थीटा पकड़िए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टू थीटा पकड़िए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।